नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर से लेकर आया हूँ बहुत अच्छी स्टोरी, लेकिन ये शॉर्ट स्टोरी है। यहाँ पे आपको बहुत ही नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेगी। ग्रामेटिकल पोर्शन तो कवर करेंगे ही करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शॉर्ट स्टोरी, लेकिन इससे हमें बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है। स्टोरी का टाइटल है द डायमंड। डायमंड आप सभी को पता है हीरा। अब चलिए पहला सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करते हैं और इंपॉर्टेंट वर्ड पे मैं वैसे भी अंडरलाइन तो सभी में करता हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड को और हाईलाइट कर दूंगा। अ पुअर मर्चेंट वॉक्ड पास्ट अ होली मैन। इतना पहले कर लेते अ यानी एक, पुअर मर्चेंट यानी गरीब व्यापारी, मर्चेंट यानी व्यापारी सौदागर, वॉक्ड पास्ट, पास्ट यानी वैसे तो भूतकाल भी होता है गुजरा हुआ, तो यहां पे क्या होगा वॉक्ड पास्ट यानी गुजरा, या किसके पास से गुजरा, वॉक्ड यानी वॉक पास यानी गुजरना, वहां से चलते हुए गुजरना से वॉक पास बोलते हैं। गुजरा किसके पास से, अ होली मैन एक पवित्र आदमी, पवित्र इंसान के पास से गुजरा, सिटिंग बैठा हुआ था, जो पवित्र इंसान है वो बैठे हुए थे, डीप इन मेडिटेशन, डीप यानी गहरा, इन यानी में मेडिटेशन यानी होता है ध्यान, गहरे ध्यान में बैठे हुए थे उस पवित्र आदमी के पास से वो गरीब व्यापारी गुजरा। अब क्या हुआ, द मर्चेंट रैन बैक, द मर्चेंट व्यापारी रैन, रन याने दौड़ना, रैन याने वही भागा है ना, दौड़ा ऐसे होगा, रैन बैक वापस भागा या वापस दौड़ा, टू हिम यानी उसके पास, किसके पास, उस होली मैन के पास, एंड सेट और बैठा, सीट यानी बैठना, सेट यानी बैठा, एट अ डिस्टेंस, एट यानी पर, ये हम यूज करते हैं ना, आपको पता है कि हम इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, ये सब हम दिशा बताते हैं, जगह बताते हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ऊपर है नीचे है, तो हम इसका यूज करते हैं, ये भी प्रपोजिशन है ना, प्रपोजिशन का यूज करते हैं। एट यानी पर, अ डिस्टेंस, एक थोड़ी दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं, एक दूरी पर जाकर बैठ गया, यानी थोड़ा दूर बैठ गया, सीधी सी मतलब है। वेन द होली मैन ओपन हिज आईज, वेन, जब द होली मैन पवित्र व्यक्ति ओपन्ड, ओपन यानी खोला, ओपन यानी खोलना, ओपन सेकेंड फॉर्म में खोला, हिज आईज, हिज यानी उसकी, लेकिन हम अपनी के लिए भी यूज करते हैं, अपनी आईज आंखें, जब अपनी आंखें खोली, ही नोटिस्ड द मैन, वह या उसने नोटिस्ड, नोटिस यानी ध्यान दिया, नोटिस करना ध्यान देना, ध्यान दिया द मैन आदमी पर, एंड आस्ड और पूछा, आस्क यानी पूछना, आस्क्ड यानी पूछा, व्हाट ही विज्ड फॉर, व्हाट यानी क्या, ही यानी वह, विज्ड फॉर यानी इच्छा है, यानी उसकी क्या इच्छा है, उसने पूछा कि भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, उसकी क्या इच्छा है, उस पवित्र आदमी ने पूछा, पवित्र व्यक्ति ने पूछा। द मर्चेंट रिप्लाइड, व्यापारी ने जवाब दिया, रिप्लाई करने वाले, जवाब देना, रिप्लाइड सेकेंड फॉर्म है, जवाब दिया, क्या जवाब दिया देखिए, गिव मी यानी मुझे दो, द मोस्ट प्रेशस थिंग, द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, प्रेशस, प्रेशस यानी क्या होता है, बहुमूल्य, किंतु इसे हम प्रेशस कहते हैं, तो प्रेशस थिंग, थिंग यानी वस्तु या फिर चीज, सबसे कीमती वस्तु मुझे दो, सबसे कीमती चीज दो, यू हैव, यू हैव यानी जो आपके पास है, हैव यानी किसी के पास होना, यू हैव यानी आपके पास, आपके पास जो सबसे कीमती वस्तु है वो मुझे दो, वो गरीब था तो इसलिए मांगा। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर या फिर ये सुनकर, द हर्मिट, द हर्मिट, अब यहाँ पे हर्मिट लिखा हुआ है, हर्मिट यानी क्या होता है, जो साधु संत सन्यासी, उसे हम हर्मिट कहते हैं, वो यहाँ वहीं पे होली मैन लिख दिया, पवित्र व्यक्ति वही होता है संत, उसे हम हर्मिट कहते हैं, तो हर्मिट ने, उस संत ने, सन्यासी ने, बहुत सारा उसका मतलब, सन्यासी ने पुट हिज हैंड, पुट यानी रखा, हिज हैंड अपने हाथ को, इनसाइड, इनसाइड यानी भीतर, अंदर, किसके अंदर, द फ्लोइंग क्लॉक, द फ्लोइंग, फ्लोइंग यानी होता है ऐसे उड़ता हुआ, बहता हुआ, बहता हुआ होगा, फ्लोइंग है, बहता हुआ क्लॉक, अब ये क्लॉक, ये क्लॉक नहीं है, घड़ी नहीं है, क्लॉक यानी क्या होता है, जैसे चोंगा होता है, लबादा, बहुत बड़े बड़े कपड़ा, आप डॉक्टर स्ट्रेंज देखे होंगे मूवी वगैरह, तो बड़ा बड़ा कपड़ा पहने रहते हैं ना, एकदम क्रिस पिक्चर में ऐसे उस टाइप का कपड़ा समझ लीजिए, तो उसे लबादा कहते हैं, तो वो अपने
वो बहते हुए लबादे से, यानी कि लहराते हुए समझ लो, उस लबादे में से लबादे में हाथ डाला एंड टुक आउट, टुक यानी लिया, आउट यानी बाहर, यानी टुक आउट यानी बाहर निकाला, ऐसे मतलब होगा, ठीक है। टुक यानी लेना भी होता है, टुक आउट यानी बाहर निकाला, और बाहर निकाला अ डायमंड, एक हीरा, ठीक है। उसने बोला अभी मैं गरीब हूँ, मुझे सबसे महंगी चीज़ जो आपके पास है, तो उसने एक हीरा निकाला। द साइज ऑफ अ ह्यूमन स्कल, द साइज उसका आकार, हीरे के आकार, ऑफ यानी का, अ ह्यूमन यानी एक ह्यूमन यानी मनुष्य के स्कल, स्कल यानी क्या होता है, खोपड़ी, एक इंसान के खोपड़ी के आकार का वो हीरा था। इतना बड़ा हीरा कि जितना बड़ा सिर मान के चलो खोपड़ी होती ना, उतने बड़े आकार का हीरा दे दिया। लो भाई हीरा मांगा, छोटा मोटा नहीं, सबसे कीमती चीज, इतना बड़ा हीरा ले लो। स्टंड एट द गुड फॉर्च्यून, स्टंड यानी वो हैरान था, उसे स्टंड कहते हैं, एट यानी पर, द गुड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, सौभाग्य है ना, अच्छे सौभाग्य, फॉर्च्यून यानी मतलब सौभाग्य से स्तब्ध होकर, अरे बाप रे मेरा तो भाग्य बदलने वाला है। द मर्चेंट वॉज अलेटेड, द मर्चेंट व्यापारी वॉज यानी था अलेटेड, लिखा ई है, उच्चारण अ होगा, अलेटेड इसका अंदर उत्तेजित, उत्साहित था, यानी होता है कुछ चीज मिलने को रहता है, मिलना बहुत ज्यादा खुश हो जाता, उत्साहित हो जाना, तो उत्साहित था। एंड और थैंक्ड, धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया, द होली मैन पवित्र आदमी का। प्रोफ्यूसली, प्रोफ्यूसली का मतलब होता है दरियादिली से, एकदम दिल से धन्यवाद दिया कि अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी गरीबी दूर करने के लिए हीरा दे दिया, ये वो उतना बड़ा हीरा, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गया, दिल से धन्यवाद दिया। अब क्या हुआ, इट इज मोस्ट डेंजरस टू डिस्प्ले दिस ह्यूज ह्यूज पीस, इट इज ये है मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, डेंजरस यानी खतरनाक, सबसे ज़्यादा खतरनाक है टू डिस्प्ले, डिस्प्ले यानी होता है दिखाना, किसी को डिस्प्ले करना, प्रदर्शित करना, तो दिखाना दिस यानी इस ह्यूज पीस, ह्यूज पीस यानी इतने बड़े टुकड़े को, उसे हम ह्यूज पीस कहते हैं, यानी इतने बड़े आकृति को, इतने बड़े टुकड़े को दिखाना क्या है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, विशाल कृति, ह्यूज पीस हिंदी में। ही थॉट, उसने सोचा, एंड टुक द डायमंड, और टुक ले गया द डायमंड, हीरे को होम, घर ले गया। हाइडिंग, हाइडिंग यानी छिपा कर, इट यानी उसे, इन हिज सैक, इन यानी में, हिज यानी अपने, सैक, सैक यानी क्या होता है, बोरा या थैले को हम सैक कहते हैं, और अपने में, अपने बोरे में छिपा कर उसे घर ले गया। एट होम, घर पर, ही डिड नॉट टेल His wife, he did not, he यानी उसने, वह भी होता है उसने, did not, नहीं है ना, नहीं, tell यानी कहा, नहीं कहा, negative, negative tense हो गया, negative sentence हो गया आपका, आपका past indefinite, sorry past, हाँ simple tense का negative sentence, he did not tell, उसने नहीं कहा, his wife, अपनी पत्नी से, कुछ नहीं बताया, as यानी जैसे कि, क्योंकि, बहुत सारा मतलब, चूंकि, क्योंकि, She could not really keep a secret. She, वह, could not, नहीं रख सकती थी. Really, है ना, could not यानी नहीं सकना, उसे could not बोलते हैं, can not यानी नहीं कर सकती, could not यानी नहीं कर सकती थी. Really यानी सचमुच में, keep यानी रखना, a secret यानी एक राज को. तो इसका पूरा sentence का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो सचमुच में राज को, रहस्य को नहीं रख सकती थी दबा के. भाई बहुत से महिलाओं का, ज़्यादातर महिलाओं का आदत रहता है, नहीं बताऊंगी किसी को, नहीं बताऊंगी, ऐसे कर करके धीरे धीरे बता देते हैं. तो वो उसे पता था कि मेरी वाइफ इस राज को नहीं रख सकती, तो उसने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया. अब क्या हुआ, ही न्यू, वह जानता था, नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो यानी जानना, उसी का सेकंड, न्यू जानता था, ठीक है, के साइलेंट होता है, न्यू, वह जानता था, दैट की इफ वर्ड गॉट अराउंड, इफ यदि वर्ड, वर्ड यानी होता है शब्द या फिर बात, गॉट अराउंड, गॉट अराउंड यानी आसपास, तो पूरा सेंटेंस का मतलब, वर्ड गॉट अराउंड का मतलब होता है यदि आसपास फैल गया, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यदि उसके जो शब्द है या उसके जो बात है वो आसपास फैल गया, ये बात मान लो फैल गया कि मेरे पास इतना बड़ा हीरा है. हिज नेबर्स, उसके नेबर्स यानी पड़ोसी, वर श्योर टू बी जेलस, श्योर यानी पक्का, टू बी होंगे, जेलस, जेलस का मतलब क्या होता है, जलना, ईर्ष्या होना. तो क्या हो जाएंगे, यदि आसपास चारों तरफ बात फैल जाएगी तो उसके पड़ोसी उससे
जलने लग जाएंगे, उसके उसके पड़ोसी जल जाएंगे, ऑफ हिज फॉर्चून, ऑफ यानी से का से, बहुत सारे हिज उसके फॉर्चून यानी उसके भाग्य से। तो भाई इसने वही सोचा कि ऐसे होगा तो पक्का है कि उसके जो पड़ोसी है उन्हें ईर्ष्या होगी, जलन होगी। देयर कुड इवन बी सम, देयर ये हम उसके लिए यूज करते हैं, केवल इंट्रोडक्टिव बोलते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। कुड हो सकता था, कुड यानी सकता था, इवन यहां तक कि, बी यानी होना, सम यानी कुछ, हु जो, वुड सस्पेक्ट, वुड यानी गागी गे करेंगे, सस्पेक्ट यानी शक, हिम यानी उसे या उस पर, ऑफ यानी का, थेफ्ट यानी चोर, चोरी का। तो पूरा इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो उस पर चोरी का शक करेंगे, ठीक है। यदि बात फैल गई तो भाई बहुत से लोग तो जलन करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग चोरी का शक करेंगे कि ये चोरी करके आया है। मैं बोलूँगा महात्मा दिया थोड़ी मानने वाले हैं, तो बोलेंगे चोरी करके लाया है। कीपिंग द डायमंड, कीपिंग यानी रख कर, द डायमंड हीरे को रख कर, हिडन यानी छिपा कर, तो हीरे को छुपा कर रखना, हीरे को छुपा कर रखना, इन दिस मैनर यानी इस प्रकार, दिस मैनर इस प्रकार, फ्रॉम ऑल टुक अ यूज टॉल, फ्रॉम यानी से ऑल टुक, ऑल टुक यानी ये क्या होगा, ऑल टुक यानी ये सब, टुक यानी लिया पड़ा, ह्यूज एक बहुत बड़ा, टोल, टोल यानी यहाँ पे क्या होता है, तो टोल प्लाजा वाला टोल अलग हो गया, यहाँ पे क्या होता है इसका मतलब असर पड़ना, ठीक है। ह्यूज टोल यानी भारी असर पड़ना, ऑन यानी पर, हिस हिस यानी उसके, मेंटल पीस, मेंटल यानी मानसिक, पीस यानी शांति, तो उसकी मानसिक शांति पर बहुत बड़ा भारी असर पड़ा। क्या असर पड़ा, क्योंकि भाई उसने हीरो को छुपा कर रखना, उसकी मानसिक स्थिति पर इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि रात भर वो सो नहीं पाया। भाई यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन इसका यही मतलब है, हीरो को छुपा कर रखता था, क्या करूँ, दिखाऊंगा तो इससे जलन करेंगे, बेचने जाऊँगा, मान लो ऐसे लिखा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, बेचने जाऊँगा तो लोग शक करेंगे कि अरे चोरी करके लाया है, पकड़ लेंगे, कोई देखेंगे तो जलेंगे, हो सकता है मुझे जान से मार दे, क्योंकि इतना इतना कीमती चीज़ रखा हुआ, तो रात भर वो सो नहीं पाया मान के चलो, और जब तक हीरा रखा था उसे मानसिक शांति नहीं मिली, उसे टेंशन ही टेंशन में था। डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट ये भी नया वर्ड का मीनिंग है, डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है, व्याकुल होना, परेशान, एंड और टॉर्मेंटेड, टॉर्मेंटेड का मतलब होता है तड़पते हुए, सताए हुए, उसे तड़पते हुए, ठीक है, परेशान और सताए हुए, टॉर्मेंटेड, ही फाइनली वह आखिरकार, टुक इट उसे लिया, बैक यानी वापस, वापस ले गया, टू ये भी आपका प्रपोजिशन है, द होली मैन उस सन्यासी पवित्र इंसान के पास वापस ले गया, एंड रिगेन और रिगेन यानी पुनः प्राप्त करना, फिर से प्राप्त किया, हिस यानी अपनी, पीस ऑफ माइंड मन की शांति, और फिर से उसने मन की शांति प्राप्त की। तो इसमें कमेंट, इसे मोरल क्या मिलती है, इसे टिप्पणी क्या लिखा गया, देखिए पजेशंस, पजेशन यानी अधिकार या फिर दौलत, जायदाद को पजेशन कहते हैं, दौलत ऑफन, ऑफ्टन ये टी साइलेंट होता है लेकिन लिखते ऑफन यानी हमेशा, ब्रिंग लाती है, विथ यानी साथ में, देम यानी उनके, द बर्डन, बर्डन यानी होता है भार, बोझ, उसे बर्डन कहते हैं, ऑफ टेंशन, टेंशन यानी तनाव का। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या होगा, दौलत अक्सर अपने साथ तनाव का बोझ लाती है, है ना, पैसा है तो हमें आपके मन में हमेशा तनाव रहेगा, अरे पैसा है कैसे करूं, कैसे बचाऊं, कहां खर्च करूं, चोरी ना कर ले, ये ना हो जाए, हमेशा तनाव टेंशन रहता है, एंड वरी और चिंता, हमेशा चिंता लगी रहती, वही बात है। ट्रू वेल्थ, ट्रू यानी सच्चा, वेल्थ यानी संपत्ति, सच्चा जायदाद इज है, पीस ऑफ माइंड मन की शांति ही सच्चा जायदाद है, सच्ची संपत्ति है, विच जिसे वी कैन हम कर सकते हैं, ऑल हैव यानी वी कैन ऑल हैव यानी हम सब पा सकते हैं, विथ यानी से द राइट एटीट्यूड, राइट यानी सच, सही एटीट्यूड यानी क्या होता है, व्यवहार, सही व्यवहार से हम मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज क्या हुआ, यहाँ पे वो जो गरीब व्यापारी था पहले जो भी था इतना टेंशन में नहीं रहता था, गरीब था लेकिन सब चीज़ अच्छे से उसका दिन गुजर रहा था, खाना वाना कैसे मिल जाता था, दो वक्त की रोटी। जब इसने उस व्यक्ति को देखा, होली मैन को, सन्यासी को, हर्मिट को, तो उसने क्या किया, उससे मांगा कि भाई मेरी गरीबी दूर कर दो, मुझे सबसे महंगा चीज़ दो अपना। उसने हीरा दे दिया बहुत बड़ा, लेकिन उस हीरे से उसकी गरीबी तो दूर नहीं हुई, उसके मन में टेंशन आ गया, मन की शांति
पूरी इस मन की शांति बिगड़ गई, खराब हो गई, टेंशन आने लगा कि इस हीरे को कैसे छिपाऊं, दिखाऊंगा तो जलेंगे, कोई बोलेंगे चोर है, हो सकता कोई मुझे जान से मार दे, तो उसके मन में केवल टेंशन ही टेंशन, तनाव ही तनाव, बोझ ही बोझ हो गया। फिर उसने क्या किया, अगले दिन उसे जाकर वापस कर दिया, रखिए महाराज आपका ये जो हीरा आपके पास रखिए और मेरी मन की शांति को वापस दे दीजिए, भले पैसा ना हो कोई बात नहीं, अब मुझे पता चल गया जो मन की शांति होती है ना यही सबसे बड़ा दौलत है, धन है। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागिए, ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे की ज़रूरत नहीं होती, भाई मुझे है सबको है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा काम यदि दो रोटी से हो जा रहा है तो ज़बरदस्ती हमें पनीर वनीर खाने की, मतलब ज़बरदस्ती पैसा नहीं है तो पनीर खाने के लिए आप और भी मत भागें, मेहनत कीजिए पैसे कमाने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान मत होइए कि पैसा 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 आपके मन में तनाव आ जाए, घर में शांति ना रहे, बीवी बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं, कुछ पुण्य का काम नहीं कर पा रहे, किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे, केवल पैसा कमाना है पैसा कमाना है, दिन भर वही टेंशन है वही तनाव है, तो आपकी ज़िंदगी तो ऐसी गुजर गई ना, बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपने पैसे के पीछे भागा, आपने अपने लिए समय कहाँ दिया, नहीं दिया, ना बच्चों के लिए समय दिया। तो भाई मन यदि आपका शांत है, मानसिक शांति यदि आपको मिलती है तो उससे बड़ा धन उससे बड़ा दौलत कुछ नहीं है। यदि आप परिवार के साथ खुश है, मम्मी पापा फैमिली जो भी हैं, आपके दोस्त यार जो भी हैं, पैसा नहीं है लेकिन यदि आप खुश हैं तो उससे बड़ी दौलत कुछ भी नहीं होती। तो आप लोग कभी ये ना सोचे कि भाई दुनिया में केवल अडानी अम्बानी और जो भी हैं वही खुश हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि कोई गरीब इंसान है, भले ही वो भीख क्यों ना मांगता हो, लेकिन उसे भीख से दो वक्त की रोटी मिलती है और उसके मन में संतुष्टि है, शांति है, मन की शांति है, तो वो सबसे बड़ा अमीर है। तो ये थी आज की मोरल, ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF, इससे पहले भी PDF मैंने 2-3 PDF अभी अपलोड किया है, टेलीग्राम को मेरा जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वैसे देता हूँ लेकिन वो एक्सपायर हो जाता है पता नहीं क्यों, तो टेलीग्राम डाउनलोड करके आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, विष्णु ATP सर्च करके मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे PDF वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, इसका भी दे दूंगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।